जागता है, शुक्रवार को शाम को जागता है। धीरेन्द्र शास्त्री आया हुआ है सीकर। राज भाई दब जाएगा बीच में पेड़ और गाड़ी के, लेकिन छोटे का नहीं गाड़ी। तो भाई लोगों फिर से स्वागत है आप सबका एक नए दिन में, एक नए व्लॉग में। और भाई सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना टोपी कैसी लग रही है। टोपी पहनने की आदत है नहीं, लेकिन अभी शुरू किया है। अगर अच्छी लग रही होगी आप लोगों को, बढ़िया लग रही होगी, तो फिर टोपी पहना करेंगे भाई, क्योंकि पहनाना तो आता नहीं अपने को, पहन ही लिया करेंगे। अभी भाई फिलहाल निकल गया हूँ घर से, शेखर को लेंगे, शेखर के यहाँ से विकास को लेंगे, विकास भाई भी वहीं आ रहे हैं शेखर के यहाँ पे, और फिर वहाँ से सारा सामान कैंपिंग का डाल के फिर आज हम निकलेंगे मंडावा। मंडावा में अपने दिल्ली गुड़गावा के भी कुछ यार दोस्त आ रहे हैं, तो उनसे भी मुलाकात होगी, देखते हैं, मज़ा आएगा आज। तो शेखर भाई मिल गए हमारे को, सामान कर रहे हैं हम लोग सेट। और सामान को देख के कई बार हमें ऐसा लगता है कि सुजू भी हमें छोटी पड़ती है क्या, सामान ही इतना हो जाता है हमारे पास। पानी उधर रखोगे? पानी को आगे रख देते हैं, पानी की जैरकिन को आगे रख देते हैं। हमने आइस क्यूब ले लिए भाई, ताकि ठंडा पानी पी सकें ना। बाकी आपने देखा हम कितने शरीफ लोग हैं, सिर्फ पानी पीते हैं। और ये हमारे चकना वकना चिप्स चिप्स मैगी वैगी आज रात के प्रोग्राम के लिए। भाई जाम लगा रहा है बहुत कसूता, ये देखो टाइम दिखा रहा है हमारे को, 9:15 बजे पहुँचेंगे हम यहाँ पे। भाई दिल्ली वाला हाल हो गया है, मतलब सीकर रोड पे भी देखो जाम कितना ही ज़बरदस्त जाम हो रहा है। ऑफिस आवर्स हैं, ऑफिस वाले लोग जा रहे होंगे, नौकरी करके जो घर को जा रहे हैं वो जा रहे हैं घर को उल्टे। तो शेखर भाई वो जो अपनी कीड़े वाली कहानी थी सुनाओ। ये कीड़ा मतलब ये शुक्रवार को जागता है, शुक्रवार को शाम को जागता है, फिर ये कीड़ा सोचता है कि कैसे मरूँ कैसे मरूँ। फिर ये कीड़ा शुक्रवार को रुक जाता है या तो, फिर शनिवार को ये फिर कुल बुलाने लग जाता है दोपहर होते, फिर इस कीड़े को घर से निकलना होता है। फिर ये कीड़ा घर से निकलवा के फिर लेने के लिए बोलता है एल्कोहल, फिर एल्कोहल ले, फिर एल्कोहल लेने के बाद में ये बलवाता है 5-6 हज़ार का या पेट्रोल डीजल वीजल चलवाएगा, 2-4 हज़ार का कहीं लेके जाएगा, कहीं लेके जाएगा। फिर ये मेहनत करवाएगा, कुछ खाना पीना बनवाएगा, फिर वापस लाएगा। फिर ये कीड़ा सो जाता है 4-5 दिन के लिए, फिर जागता है, फिर जागता है। ये हर हफ्ते का कीड़ा हो गया है, हर हफ्ते का कीड़ा हो गया है। ये भाई मेन नेशनल हाईवे है जो जाम पड़ा है, ये देखो ये दिखा रहा है 13 मिनट का जाम। और जाम किस चीज़ का है, बाबा जी आए हुए हैं, बाबा जी और बाबा जी के भक्तगण जो हैं वो मोटरसाइकिल लेके, कोई साड़ा इधर से टाप रहा है, कोई उधर से टाप रहा है, बोले मर जाएंगे लेकिन बाबा जी से मिलने ज़रूर जाएंगे। ये देखो बाबा जी के भक्त आ रहे हैं भाई, एक हाथ में लाठी है और ये विद फैमिली छोटे छोटे बच्चों को सबको सह परिवार लेकर आए हैं बाबा जी की भक्ति के लिए। ये लेफ्ट साइड की पूरी एक लेन पार्किंग में इन्होंने खराब कर रखी है, और आगे पता नहीं भाई किस चीज़ का ही जाम है, अभी तो बहुत सारा जाम बचा हुआ है। ये भाई धीरेन्द्र शास्त्री आया हुआ है सीकर। अच्छा जी, आजकल बागेश्वर धाम चल रहा है भाई, आजकल मार्केट में लेटेस्ट वही बाबा चल रहा है, ये है पंडाल, वो लग रहा है पंडाल। साड़ों ने हाईवे कर दिया जाम पूरा, और आने वाले चूतिए इतने बड़े हैं, मैं उनके लिए तो क्या ही बोलूं भाई। इस तरफ है बाबा का पंडाल, यहाँ जो पब्लिक आई हुई है ना भाई, पब्लिक भाई साले घर पे रोटी नहीं बना के खिलाते होंगे अपने आदमियों को, लेकिन यहाँ जरूर आई है, इतनी पब्लिक है देखो। तो ये हम पहुँच गए आंगन रिजॉर्ट, और ये वही रिजॉर्ट है जब हम आरजे वाईसी वालों के साथ आए थे। देरे में क्या बड़े यूट्यूबर दिखाई नहीं देते, ये दिक्कत है। 4 बजे से ये हाँ आप दिखेंगे, आप दिखें, ये देखो 4 बजे से गोली दे रहे हो। नहीं नहीं, 4 बजे तो हम, अरे हम चले थे 4 बजे, तो चलना था हमें भाई 2.5 घंटे का रास्ता है। ये भाई सरजीत बना हमारे को फिर से मिल गए एक बार, ये लो तो भाई खाना खाने जा रहे हैं रात को 2:30 बजे है ना। और हमारे सर्वजीत बना, ये देखो अरे बना खाना खिला रहे हो रात को 2:30 बजे, नहीं 2:30 नहीं सॉरी 12:30 बजे, 12:30 बजे सॉरी सॉरी भाई 12:30 बजे। तो सुबह सुबह शेखर भाई केले के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि भाई ये फ्रूट्स खाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या चोकोस, ये तो बच्चों का खाना है शेखर यार, बच्चा ही ये तो खुद भी बच्चा ही है अभी। सो भाई स्टिकर लगा रहे हैं। तो भाई निकल गए हम लोग थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करने लिए, हालांकि टाइम हो गया 9:15 बजे, धूप निकल गई है फुल फ्लैच, और लीड कर रहे हैं रियन भाई और सर्वजीत बना, बाकी गुड़गांव की टीम आ रही है पीछे।
तो शेखर भाई कह रहे हैं कि कीड़े को हम आखिरी वो मतलब आखिरी पड़ाव पे आ गया कीड़ा, अब उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग ऑफ रोड पे जा रहे हैं। तो ये कीड़ा पहले तो हमारे को ले जाएगा धूल मिट्टी में, है ना, पहले धूल मिट्टी में टैनिंग होगी, गाड़ी पे धूल मिट्टी होगी, फिर घर जाके गाड़ी धोएंगे, अपनी टैनिंग दूर करेंगे, क्यों शेखर भाई जी। फिर फाइनली ये कीड़ा जो है पाँच दिन के लिए शांत हो जाएगा और 5 दिन बाद फिर से जिंदा हो जाएगा, शुक्रवार को फिर कुल मिलाएगा। भाई बाकी पीछे की गाड़ियां तो अभी आई नहीं, शायद दो एक गाड़ी टू व्हील थी, बाकी अपनी ये चार गाड़ी तो आ गई हैं। आगे गेट बंद है, अब वहां पे परमिशन मिलेगी तो खुल गया भाई, खुल गया। तो भाई ये सबका ना 4x4 वाला जो कीड़ा है वो पूरी तरह से जाग गया। उधर राज भाई घुमा रहे हैं, उधर कौन सी फंस गई गाड़ी, तो ये फंस गई ना फॉर्च्यूनर। कहाँ फंस गई, ये तो वैसे उतर रहे हैं, वैसे नहीं उतर रहे। अच्छा फंस गई तो मार लेंगे धक्का, फॉर्च्यूनर बना रही भाई मौसम ना। अपनी तो क्या लॉन्ग व्हील बेस है इसुजू का, इसलिए अपन तो नहीं चढ़ाएंगे, हार चढ़ जाएगी। भानु बना गए थे भाई ऊपर तक देखने, क्या हुआ सरजीत बना होकर आए ऊपर, खड्डे हो रखे हैं। ये देखो ये तो गाड़ियों में ये तो निशान है ना भाई, ये देखो गाड़ियों में क्या हाल हो जाता है इस साइड के, ये देखो। तो भाई हरियाणा नंबर की थार जाएगी ऊपर और फॉर्चुनर जाएगी, ये दोनों जाएंगी, वो वाली फॉर्चुनर हियन भाई वाली तो अभी बीच में अटकी हुई है। सरजीत बना शायद मौसम बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो चढ़ जाएगी, तो भाई हम भी अपना 4x4 लगा के आ गए ऊपर पैदल पैदल, सांस और फूल की। और राज भाई दब जाएगा बीच में पेड़ और गाड़ी के, लेकिन छोड़ेगा का नहीं गाड़ी, ऐसे नहीं है, टेंशन मत, फंस गई भाई धीरे धीरे फॉर्चुनर के पीछे के पेड़ आ गया और आगे जा नहीं रही, पीछे आते इस पे भिड़ेगी, तो इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है कौन सी गाड़ी साइड में लाएं ताकि उस तरफ इसको खींच पाए। तो भाई ये दो गाड़ी जा रही हैं आगे ताकि वहाँ आगे से टोचन लगा के और खींचने की कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा 2-4 फुट आगे करने के लिए। फॉर्चुनर सर्वजीत वना चढ़ गए आगे, वहाँ से खींचेंगे। कैसे रिकवरी हुई? देखो ये जो गाड़ी है ना भाई, इसमें दिक्कत क्या है कि ये गाड़ी फंस रही है ऐसी जगह जहाँ पीछे पेड़ है ना, तो आगे आएगी नहीं क्योंकि आगे चढ़ नहीं पा रही और पीछे जाते पेड़ में लगेगी। तो भानु वना ने तैयारी कर, अरे साफ है साफ है, आ जाएगा, थोड़ी धूल आएगी यार, यहाँ धूल तो आएगी भाई। 3 बेल्ट लगा के हमने इसको उससे कनेक्ट तो कर दिया है, अब देखते हैं ये गाड़ी की पावर से खींचेगी कि नहीं खींचेगी। तो भाई फॉर्च्यूनर को खींचने के लिए बी क्रॉस तैयार, सर्वजीत बना मारेंगे फुल जोर का झटका एक ही बारे में। रियन भाई चालू करो, धीरे धीरे ले रहे हैं एक बार, लो लो बना लो, आ गई आ गई आ गई। ये देखो दोनों गाड़ियां स्ट्रगल कर रही हैं भाई, एक और अटेम्प्ट, ये आ गई आ गई आ गई, चल खींच दी भाई। सरजीत बना जा रहे हैं, जाओ बना जाओ जाओ थोड़ा तो जा बजे आग बीच रे, आवाज आ जा बोली, ब्रेक लगा लगा खोदता जाओ। ये लो जे फॉर्च्यूनर कर रही है अटेम्प्ट, सरजीत बना तो चढ़ के आ गए यहीं से, हमारी वाली सवारी बढ़िया भाई, नीचे पेड़ के नीचे छाया में कुर्सी डाल के बैठ गए, तमाशा देख रहे हैं बढ़िया आराम से, कौन चढ़ा रहा है कौन उतार रहा है। वो गाना सुना है आपने रोहित जी, कौन सा नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ये वो हो रहा है, ये वो हो रहा है, सही बात है। ये आया राज डागर,
फॉर्च्यूनर का अटेम्प्ट और इस बार ले आया भाई। भाई सारे भाई लोग ना पंप कर रहे हैं गाड़ी ऊपर लाने के लिए। देखो ये गाने वाने बढ़िया से ना चैलेंजिंग वाले सुना रहे हैं, पर ये जानते नहीं भाई कुछ भी कर ले अपन नहीं लाएंगे ऊपर, अपन नीचे बैठेंगे आराम से। आर्यन भाई ऐसे 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 पंप कर, मेहमान आए ऐसे बात रखनी जरूरी है। अरे दो गाड़ी है ना हमारी राजस्थान की। सरजीत बना आ गए वापस नीचे। गांव के ऊपर आ गए। अपना कह रहे हैं कि हम लोग ऑफ रोड रहे इसलिए हम रोड से नहीं जाएंगे, ऑफ रोड से जाएंगे होटल की तरफ। तो हम सीधे सीधे रास्ते से नहीं जा रहे, हम वापस से ऑफ रोड से ही जाएंगे भाई। अरे ये देखो अभी जो चीज़ हम मिस कर कर आए हैं सरजीत भाई, हमने क्या मिस किया बताओ इन्हें शेखर भाई को। आप लोग कहाँ से हो? बहुत कुछ हम गांव में से आए हैं। आप पीछे नहीं आए हमारे? नहीं नहीं क्या बात करो, ट्रेन नहीं मारी आप लोगों ने? आज का पूरे इवेंट में जो था वो मेन यही था, वही मिस कर दिया। मजा है ट्रेल में। क्यों शेखर बना मिस कर दिया ना? नेक टू नेक मेरे भाई। मैं आया था कैंपिंग के हिसाब से, मतलब तंबू वम्बू लेके गद्दे वद्दे डाल के उस हिसाब से मैं आया था, और मुझे नहीं पता था कि फाइनली हम रिजॉर्ट में ही रुकेंगे। तो कुछ भी नहीं लाया भाई मैं, ना स्विमिंग पूल के लिए शॉर्ट्स लाया, ना तौलिए, ना ब्रश, ना कुछ। मैं क्या कैंपिंग में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई जगह ऐसी मिलेगी नहीं, कहाँ सब करेंगे। इसलिए सिर्फ जो एक जोड़ी कपड़े पहन कर आया था ना यही है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं लाया। अब पता होता ना भाई रिजॉर्ट में रुकना है तो लाते कुछ तो लाते, कम से कम पूल वूल में जाते आराम से थोड़ी देर। शेखर भाई और बाकी भाई लोग घुस गए पूल में, भाई अपन तो तैयारी से आए नहीं थे इसलिए है ही नहीं हमारे पास। और विकास भाई भी जा रहे हैं, सब जुगाड़ करके लाए थे करेक्ट कर गया। तो जो शेखर भाई वाला कीड़ा है वो लास्ट में इन्होंने स्विमिंग पूल में विसर्जन कर दिया है, शेखर भाई ने वो कीड़ा छोड़ दिया है, अब वो किसी और के चढ़ेगा। तो ठीक है भाई इधर अपने वाला कमरा रूम पे जा रहे हैं भाई नहा धो के, और फिर निकलेंगे घर के लिए। तो भाई फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और टाइम क्या हो गया, मेरी तो घड़ी बंद होगी, चार्ज नहीं है। क्या टाइम हो गया भाई? 1:47 गाड़ियाँ बची हैं तीन सिर्फ, सरवजीत बन्ना की अपनी और एक बची है रियन भाई के, बस बाकी सब चले गए। तो भाई विकास भाई को छोड़ दिया, शेखर भाई को छोड़ दिया, और अब जा रहा हूँ घर। पहुँच गए लगभग 5 बजे हम जयपुर पहुँच गए हैं। बढ़िया रहा, मज़ा आया, एक नंबर मज़ा आया, और आप लोगों को भी मज़ा आया होगा इस व्लॉग में। अगर व्लॉग में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको जल्दी किसी अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।